केमिस्ट्री के सभी चाहने वालों को और भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर को विजय कुमार सोनिका की ओर से केमिस्ट्री वाला चैनल पर पर्टिकुलर हार्दिक स्वागत है। केमिस्ट्री के लिए पहले वाले वीडियो में हम बात करें तो अभी तक हम बात कर चुके तीन अनुसंगिक गुणधर्म की, जो कि हैं वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, नंबर टू क्वथनांक उन्नयन, नंबर थ्री हिमांक अवनमन। और हम ये भी बात कर चुके हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन के रूप में कि विदेशों में जब बर्फ गिरती है तो बर्फ को हटाने के लिए हम एनिसिल विलियन का स्प्रे का यूज करते हैं, क्योंकि एनिसिल अपने आप में अवासुलीले पदार्थ है जो कि उसके हिमांक को कम कर देता है और हम उस बर्फ को इजी वे में कलेक्ट करके हटा पाते हैं। आज जो बात करने जा रहे हैं, फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपके पास में अनुसंख्या गुणधर्म परासरण दाब। परासरण दाब, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आ गया आपके पास में ऑस्मोटिक प्रेशर। बात करूं तो इसको शॉर्ट में, बायो में आप लोग ओपीपी कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट करने से पहले हमें जानना जरूरी है कि परासरण क्या होता है, हमें जानना जरूरी है कि परासरण के प्रकार कितने होते हैं, हमें जानना जरूरी है कि जैसे झिल्लियां क्या होती है और उनके प्रकार क्या होते हैं। इससे पहले बात करूं तो परासरण पे बहुत सारी क्वेश्चन डिपेंड है, जैसे अगर प्याज में कोई तीखापन है तो उसको हम NaCl के नमक के विलयन में डाल दें तो उसका तीखापन दूर हो जाता है। करेले का कड़वापन दूर करना है तो उसको हम NaCl के विलयन में डाल दें तो उसका कड़वापन दूर हो जाता है। किशमिश को पानी में डाल दें तो किशमिश फूल जाती है। अंगूर को शर्करा के जले विलयन में डाल दें तो शर्करा का विलयन श्रिंक हो जाता है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो लोग नॉनवेज का यूज करते हैं वो लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर डेड बॉडीज पे NaCl का लेप करके कुछ देर के लिए रख देते हैं, तो उसके बाद में जब उसको पकाते हैं तो वो नॉनवेज काफी लजीज बनता है। ऐसे कई क्वेश्चंस का जवाब देगा आपका ये परासरण दाब। तो बने रहिए मेरे साथ में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें झिल्ली की। ये अपने आप में झिल्ली क्या होती है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बेटा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन कहेंगे। मान लीजिए ये आपके पास में कोई भी सेल थी, कोशिका थी। इस कोशिका में बात करूं तो केंद्र में केंद्रक होता है कुछ इस प्रकार से, केंद्रक। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है कुछ इस प्रकार से, माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम लाइसोसोम भी होते हैं आपके पास में। गॉल्गी बॉडी भी होती है कुछ इस टाइप से, इरेगुलर शेप में, कैमिलो गॉल्गी ने खोजी थी। मुख्य रूप से जीव द्रव्य भी होगा कुछ इस प्रकार से, ये आ गया आपका जीव द्रव्य। तो ये सब चीज प्रेजेंट होती है। इसमें सबसे बाहर का जो स्ट्रक्चर है जो कि सेल को, कोशिका को आकार देने का काम करता है, इसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति कहते हैं सब, सेल वॉल कहते हैं अंग्रेजी में। इस सेल वॉल के अंदर की ओर आपके पास में एक और स्ट्रक्चर होता है जो कि विभिन्न पदार्थों के आदान प्रदान में बाहर से अंदर और अंदर से बाहर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का आदान प्रदान करने में सहायक होती है, और उसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। ये जो रेड कलर का आपके पास में डॉटेड आ रहा है, डॉटेड इसीलिए किया कि ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों के आदान प्रदान में सहायक होती है, इसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। तो आप क्या कहेंगे कि वह संरचनात्मक इकाई कोशिका, कोशिका की वह संरचनात्मक इकाई जो कि कोशिका में तथा कोशिका के बाहर विभिन्न पदार्थों का, विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान करे, आदान प्रदान करे, उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं बेटा, झिल्ली कहते हैं। ये थी आपके पास में कोशिका झिल्ली। इसके एग्जाम्पल के लिए आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम यहां पर जंतु कोशिका झिल्ली, जंतु कोशिका
झिल्ली का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहां पर हम पादप कोशिका झिल्ली का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, पादप कोशिका झिल्ली का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, सेलोफेन की झिल्ली भी ले सकते हैं, सेलोफेन की झिल्ली भी ले सकते हैं। ये सब कोशिका झिल्लियों के एग्जाम्पल हैं। जो बायो के स्टूडेंट है वो अच्छे से जान चुके इस बात को। अब बात यह आती है साहब कि झिल्ली के कितने प्रकार होते हैं। तो अगर हम बात करें तो कोशिका झिल्ली या झिल्ली मुख्य रूप से दो तीन प्रकार की होती है। कोशिका झिल्ली के बेसिकली तीन प्रकार होंगे। एक होगी पारगम्य झिल्ली, पारगम्य जिसको हम पूर्ण पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। दूसरी होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली, और तीसरी होती है अपारगम्य झिल्ली। पारगम्य को परमेबल कहते हैं अंग्रेजी में, अर्ध पारगम्य को सेमी परमेबल कहते हैं, और अपारगम्य को हम नॉन परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो आधार लिया गया है कोशिका झिल्ली के प्रकार का, वो लिया गया है विभिन्न पदार्थों के आदान प्रदान के आधार पर, आदान प्रदान के आधार पर। क्योंकि आपको मालूम है विलयन में बेसिकली दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। यदि बात करूं पारगम्य झिल्ली की तो ये पूर्णतः पारगम्य होती है, और पारगम्य झिल्ली की खास बात है कि ये विलेय प्लस विलायक दोनों का आदान प्रदान करती है। यानी कि एक ओर से दूसरी ओर विलेय पदार्थ को भी आने जाने देती है और विलायक पदार्थ को भी आने जाने देती है। बात आती है आपके पास में दूसरा प्रकार अर्धपारगम्य झिल्ली। ये यहां आता आपके पास में अर्धपारगम्य झिल्ली की क्या खास बात होती है? ये विलेय और विलायक में से केवल विलायक के कणों का आदान प्रदान करती है। केवल केवल विलेय के कणों को रोक लेगी। वहीं पे बात करूं तो पर्टिकुलर अपारगम्य झिल्ली की बात करूं तो न तो विलेय व न ही विलायक का आदान प्रदान करती है, दोनों का ही नहीं करती है। और अपारगम्य झिल्ली जहां होती है वो कोशिका हमेशा मृत कोशिका होगी, डेड सेल में प्रेजेंट होती है। प्लांट्स में छाल जो होती है वो अपने आप में अपारगम्य झिल्ली का ही एग्जाम्पल है। बात करना चाहूं अर्धपारगम्य झिल्ली का, तो यहां पर एग्जाम्पल आता आपके पास में जंतु या पादप कोशिका झिल्ली, जंतु या पादप कोशिका झिल्ली यहां पर एग्जाम्पल होगी। ये थी बात आपके पास में जस्ट परासरण दाब में झिल्ली के बारे में। अब हम बात करना चाहेंगे आपसे परासरण दाब की। परासरण दाब की भी बात करने से पहले परासरण की बात कर ले हम। आपने अपने, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑस्मोसिस। आपने अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, किशमिश को पानी में डाल दिया फूल गया, अंगूर को शर्करा के जलिए विलयन में डाल दिया सिकुड़ गया। ये फूलना और सिकुड़ना अपने आप में परासरण की ही क्रिया होती है। और परासरण की क्रिया में यहां भाग लेती है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो आप क्या कहेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली किसका आदान प्रदान करती है? केवल और केवल विलायक के कणों का। तो आप ये कहेंगे
विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन परासरण कहलाता है। बात करूं तो एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं कि किशमिश का जल में फूलना, अंगूर का शर्करा के विलयन में सिकुड़ना, ये अपने आप में परासरण के ही एग्जाम्पल हैं। और अगर आगे बात करें तो पर्टिकुलर परासरण के मुख्य रूप से प्रकार की बात करें, परासरण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। परासरण के दो प्रकार, एक होता आपके पास में अंतःपरासरण, जिसको हम एंडोस्मोसिस कहते हैं, और दूसरा होता है बाह्य परासरण। दो प्रकार, अंतःपरासरण और बाह्यपरासरण। अंतःपरासरण की बात करें तो बाहरी माध्यम से कोशिका के अंदर की ओर, तो आप ये कह सकते हैं यहां पर बाह्य माध्यम से कोशिका के अंदर की ओर अगर हो परासन तो उसको अंतःपरासन करेंगे। यहां पर बेस्ट एग्जांपल है किशमिश का जल में फूलना, अंतःपरासन का एग्जांपल। तो ये कर दिया यहां एग्जांपल किशमिश का जल में फूलना अंतःपरासन का एग्जांपल है। बाह्यपरासन जस्ट कोशिका से परासन का प्रकार, जो कि कोशिका से बाह्य माध्यम की तरफ होता है, तो उसे हम कहते हैं बाह्यपरासन। उसका एग्जांपल आपके पास में अंगूर का शर्करा के जलीय विलयन में सिकुड़ना, तो यह आ गया आपके पास में एग्जांपल अंगूर का शर्करा के विलयन में सिकुड़ना। ये आपके पास में इंपॉर्टेंट एग्जांपल परासरण के अलोंग है, जिसको हम ऑस्मोसिस भी कहते हैं, ऑस्मोसिस। ये था आपके पास में पर्टिकुलर परासरण दाब से पहले इन बातों का जानकारी होना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब बात करें हम परासरण दाब की डिटेल में कि परासरण दाब होता क्या है और परासरण दाब किस प्रकार से संभव होता है, उसकी गणितीय व्याख्या, बाकी और सभी अनुसंख्या गुणधर्म की तरह। ध्यान दें, अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है परासरण दाब, जो कि बायो वालों के लिए भी बायोलॉजी में काफी इंपॉर्टेंट है। वहां डिक्सन नॉली थ्योरी आपने पढ़ रखी है, डिक्सन नॉली और जॉली थ्योरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पादपों में पानी कैसे पत्तियों तक पहुंचता है उसके पक्ष में,
तो प्रासन दाब के लिए बात करूं तो इसके लिए एक डायग्राम फिर से ले लें हम। ये आपके पास में एक जस्ट कंटेनर है या सिलेंडर है जिसमें ये कुछ दो पिस्टन लगे हुए हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आपने लगा दी SPM, SPM बोले तो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, जिसको हमने कहा है अर्ध पार गम्य झिल्ली, जो कि केवल विलायक के कणों का आदान प्रदान करती है। यहाँ आपने एक पिस्टन यहाँ लगा दिया, यहाँ आपने विलायक भर दिया और यहाँ पर विलयन। नो डाउट हमको मालूम है कि विलायक के कण प्रासन के अलोंग कम सांता इधर है विलायक की तरफ, तो विलयन की तरफ जाना चाहेंगे। विलयन की तरफ जाना चाहेंगे तो एक दाब यहां से लगे जो कि विलायक के कणों को विलयन की तरफ जाने से रोक दे, उसे हम कहते हैं प्रासन दाब। तो प्रासन दाब के अलोंग जस्ट आपके पास परिभाषा क्या बनती है, वह द्रव स्थैतिक दाब जो कि विलायक के कणों का परासरण रोक दे, उसे परासरण दाब कहते हैं। यानी कि विलायक के कणों को विलयन की ओर जाने से रोक दे, उसे हम पर्टिकुलर कहेंगे परासरण दाब। ये विलयन आ गया, यहां कुछ आप विलायक को ऐसे ले सकते हैं, ये विलायक के कण, इसे जो व्यक्त करते हैं परासरण दाब को, इसे पाई द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। इस परासन दाब में अगर मैं बात करूं तो मुख्य रूप से परासन दाब की गणना करने के लिए, परासन दाब की गणना करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि यहां जस्ट चार्ल्स या बॉयल वांट ऑफ का नियम, वांट ऑफ के मतानुसार कह दें आप, वांट ऑफ के मतानुसार, के मतानुसार यहां हम दो नियमों का उपयोग करेंगे। जस्ट पहला नियम आता आपके पास में वांट ऑफ बॉयल का नियम या बॉयल वांट ऑफ का नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है, परासन दाब पाई लिया आपने, ये समानुपाती होगा आपके पास में, मींस प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती किया वॉल्यूम के, मींस परासन दाब सदैव आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये था आपके पास में जस्ट पहला नियम, वांट ऑफ बॉयल का नियम। दूसरा नियम आता आपके पास में वांट ऑफ चार्ल्स का नियम, वांट ऑफ चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम। ये नियम क्या कहता आपके पास में कि परासरण दाब पाई समानुपाती होता है ताप के समानुपाती होता है। इन दोनों से हमने इंपॉर्टेंट बात क्या निकाली है, आप ये कह सकते हैं कि समीकरण एक और दो से, इसको आप कह दे समीकरण नंबर एक, इसको कह दे आप समीकरण नंबर दो। तो समीकरण एक व दो से पाई प्रोपोर्शनल टी ऊपर की ओर है, वी नीचे की ओर है, तो टी अपॉन ये कर दिया वी, यहां प्रोपोर्शनल को हटाया आपने पर्टिकुलर, तो यहां होगा पाई
इज प्रोपोर्शनल टू, या यहां पर्टिकुलर हम एक नियम और डिस्कस कर लें जिसको हम कहते हैं अवोगाड्रो का नियम, जिसको आप वांट ऑफ अवोगाड्रो का नियम भी कह सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास में थर्ड नियम, वांट ऑफ अवोगाड्रो, अवोगाड्रो नियम। ये क्या कहता है? पर्टिकुलर प्रासन दाब पाई समानुपाती होगा मोलों की संख्या के, मोलों की संख्या के। बोले तो मोल यहां पर विलेय के होंगे, तो विलेय के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। इसको हम कहते हैं समीकरण नंबर 3। अब इन तीनों समीकरण का उपयोग कर लें समीकरण 1, 2 व 3 से। पाई आपको दिया हुआ लेफ्ट में, यहां v नीचे आ रहा है, t ऊपर आ रहा है, n ऊपर आ रहा है, तो प्रोपोर्शनल n कर दिया, t कर दिया और ये v। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहां पर एक नियतांक का यूज करना पड़ेगा, वो हो गया आपके पास में n r और ये कर दिया आपने v। इसको आप कह सकते हैं समीकरण नंबर 4। r यहां पर क्या है? क्योंकि ये अपने आप में विलयन एक गैस की तरह काम करता है, तो यहां पर गैस नियतांक होगा जिसका मान हम लोग 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स ले सकते हैं। ये था आपके पास में पहला फार्मूला प्रासरण दाब का, प्रासरण दाब। यहां से एक और फार्मूला बनता आपके पास में पाई वी जी इक्वल टू एनआरटी, समीकरण नंबर 5 बनता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर, तो यदि विले स्मॉल डब्ल्यू ग्राम विले स्मॉल डब्ल्यू, या यहां सबसे पहले एक और फार्मूला निकाल लें अपन एन अपॉन वी, आप कह दें मोल पर लीटर सांद्रता सी होती है। एक और समीकरण आपके पास में यहां बनता है, वो बनता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी, प्रासन दाब का एक और फार्मूला 6, समीकरण नंबर 6। यहां हम पर्टिकुलर मोलों की संख्या निकालें, बता चुका हूं मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, विलेय का भार बटे अणुभार। तो आप ये कहेंगे स्मॉल डब्ल्यू ग्राम विलेय जिसका मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान स्मॉल एम है, विलायक के, विलायक के वी लीटर आयतन में घुला हो, तो समीकरण आपके पास में 6 क्या होगा? यह आता आपके पास में समीकरण 6 ना कहकर के समीकरण 4 का उपयोग कर लें। तो उस पोजीशन में आपके पास में मोलों की संख्या आती है एन अपॉन, यह आ गया आपके पास में एन मोलों की संख्या, ये पर्टिकुलर आपको दिया हुआ है स्मॉल डब्ल्यू ग्राम, तो एन की वैल्यू निकलती है विलेय का भार ग्राम में बटे उसका मोलर द्रव्यमान। इस वैल्यू को पुट करें तो समीकरण आपके पास में कुछ 4 ऐसा होगा कि पाई जी इक्वल टू एन की वैल्यू कर दी आपने स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, ये हो गया आपके पास में आर टी अपॉन वी। इस समीकरण की सहायता से भी आप पर्टिकुलर प्रासन दाब की गणना कर सकते हैं। तो यहां प्रासन दाब के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फार्मूले, 5-स्टार फार्मूले हर बार की तरह 1, 2, 3 और ये अंतिम 4th फार्मूला आपके पास में तैयार होता है। सेम हर बार की तरह विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें, तो यहां हम कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना, द्रव्यमान ज्ञात करना। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहां पर समीकरण 7 का उपयोग करेंगे। तो समीकरण 7 से आप यहां से एम को बाहर निकाल लें,
आपके पास में होगा m बराबर ये हो जाएगा डब्ल्यू आर टी एक ग्राम में विलेय का भार बटे, ये यदि आपने m की जगह पाई वी प्रसरण दाब, ये आता आपके पास में समीकरण नंबर 8 जिसकी सहायता से हम विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। ये था आपके पास में अनुसंख्य गुणधर्म प्रसरण दाब अंतिम गुणधर्म जिसका मैथमेटिकल डेरिवेशन विद द डेफिनेशन। इसी क्रम में फिर मुलाकात होगी आपसे, अब तक के लिए धन्यवाद शुक्रिया। आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो इसको सब्सक्राइब कर सकें और अपनी केमिस्ट्री का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रॉफिट उठा सके, क्योंकि कारवां मुझ अकेले से नहीं बनेगा, आप लोग मेरे साथ होंगे तो ये आगे बढ़ पाएंगे और आप लोगों का साथ मुझे हर रोज डे बाय डे सब्सक्राइबर बढ़ बढ़ करके मुझे मिल रहा है। और मेरा वादा है आपसे कि मैं हर बार आपको केमिस्ट्री का एक नया तरीके से और बहुत अच्छे सलीके से आपके सामने लेकर जाऊं। तब तक के लिए धन्यवाद शुक्रिया।